जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और 10 जुलाई को है सावन का पहला सोमवार। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बेलपत्र के कुछ आसान उपाय, जिनसे आप अपने जीवन में हो रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। विवाह में विलंब हेतु, धन प्राप्ति हेतु, स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु और इसके अतिरिक्त संतान बाधा से जो ग्रसित हैं, उनको भी बेलपत्र के कुछ उपाय इस वीडियो में देखने मिलेंगे। इस सावन के पवित्र महीने में सभी शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बहुत से उपाय करते हैं। सोमवार के दिन यदि आप बेलपत्र के कुछ आसान उपाय अजमाएंगे तो पूजा का शुभ फल मिलने के साथ आपके घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले, अगर आप पहली बार स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेलपत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। खासतौर पर जब बात भगवान शिव के पूजन की आती है तब इसके बिना पूजन अधूरा ही माना जाता है। वास्तव में इसकी तीन पत्तियां एक शाखा से जुड़ी होती हैं जो त्रिदेव का प्रतीक मानी जाती हैं। इन तीन पत्तियों को मिलाकर एक पत्ता बनता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है और शिव जी के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि वे तो एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। मुख्य रूप से ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन यदि शिव पूजन में बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके कुछ आसान उपाय यदि हम आजमाएं तो शिव पूजन का पूर्ण फल हमको प्राप्त होगा और इसके साथ ही साथ हम सभी के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। सबसे पहला उपाय बेलपत्र का है यदि विवाह में देरी हो रही है तो। यदि विवाह में देरी हो रही है या किसी वजह से बात नहीं बन पा रही है तो 5 सोमवार शिवलिंग का मंदिर में जल से अभिषेक करें और 108 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना पहले नंदी महाराज से करें, इसके बाद भोलेनाथ को भी अपनी प्रार्थना कहें। इसके अलावा यदि आप सोमवार के दिन शिवजी के साथ माता पार्वती का पूजन भी करेंगे तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बेलपत्र के उपाय। अगर आप अपने स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं से परेशान हैं तो 108 बेलपत्र चंदन में डुबोएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इसका आसान उपाय आपको जल्दी ही सेहत में सुधार दिखाएगा। हालांकि ये बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन शिवजी पर किया गया विश्वास आपको रोगों से मुक्त कराने में अवश्य मदद करेगा, क्योंकि बीमारी पहले हमारे मस्तिष्क में ठीक होती है और मस्तिष्क का उपाय भोलेनाथ कर देंगे। तीसरा है, मनोकामना पूर्ति हेतु किस प्रकार बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा माना जाता है यदि आप सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते चढ़ाते हैं और साथ में दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक ये उपाय आपको करना है। आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी और कामना की पूर्ति होगी। संतान सुख के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार पूजन करें। संतान प्राप्ति हेतु अगर सोमवार का व्रत और पूजन पति पत्नी दोनों एक साथ करेंगे तो जल्दी फलत होगा। संतान सुख के लिए आप एक आसान उपाय अजमा सकते हैं। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और एक पत्र में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते जाएं, शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं और ओम नमो भगवते महादेवाय का जाप करते जाएं। इसके साथ ही साथ संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय कम से कम 7 सोमवार तक करें और कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि के बाद जो पहला सोमवार पड़े उससे शुरुआत करें, यानी कि 10 जुलाई को जो पहला सावन का सोमवार पड़ेगा उस दिन से ये उपाय करेंगे तो ज़्यादा फलत होगा।
धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है और व्यर्थ में खर्च हो जाता है, तो आप सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और उन पत्तों को अपने पर्स या पैसों वाले स्थान जैसे कि घर की तिजोरी में रख दें। इस आसान से उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, यहाँ तक कि धन लाभ के भी योग बनेंगे। बेलपत्र का पूजन पाप व दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने में मदद करता है। ऐसी भी मान्यता है कि बेलपत्र यदि हम अपने घर में लगाते हैं तो उससे देवी महालक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये थे बेलपत्र के 5 आसान से उपाय। यदि आप इनको आजमाएंगे तो ये आपको सुख और समृद्धि दिलाने में अवश्य मदद करेंगे। उपाय करते वक्त अपने मन में विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही हमारी इच्छाओं को और मनोकामनाओं को पूरा करने में सबसे पहले मदद करेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।